वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम आज है 21 जुलाई 2023 और 21 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आज के इस वीडियो के पी फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पी एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया तो अभी बीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अच्छा ये बीस जुलाई को क्यों मनाया जाता है क्योंकि बीस जुलाई उन्नीस को नेल आर्म और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था इसीलिए हर साल बीस जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है अच्छा अभी एक जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया दो जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया तीन जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया गया छः जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया सात जुलाई को विश्व केसवाहिली भाषा दिवस मनाया गया केसवाहिली ये एक अफ्रीकन भाषा है दस जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया ग्यारह जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया बारह जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया पंद्रह जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया सोलह जुलाई को विश्व सर्प दिवस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि आई का स्थापना दिवस मनाया गया सत्रह जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया अठारह जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया और अभी बीस जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है और बीस जुलाई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठ सबसे पहले अपने लेक टारगेट फिक्स करो चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लेकिन टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो आपकी लाइफ ऑटोमैटिकली अच्छी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू इन्होंने अभी राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है डॉक्टर ओम प्रकाश कॉल द्वारा लिखित राग प्रकाश पुस्तक का विमोचन हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है ये रागों के एक विशेष संग्रह पर बेस्ड बुक है अब हिमाचल प्रदेश तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है शिमला हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है शिव प्रताप शुक्ला अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईटी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी विभाग किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नशीले दवाओं के खतरे से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है हिमाचल प्रदेश ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एन यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ साझेदारी की है हिमाचल प्रदेश ग्रेन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करेगा और एच हिमाचल प्रदेश में 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा अच्छा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है पिन बैली नेशनल पार्क है और थिर नेशनल पार्क है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है तो अभी थल पिल प्रदीप ने प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार जीता है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है ये, ये हैं थल पिल प्रदीप ये आईआईटी मद्रास के रसायन विभाग के प्रोफेसर हैं और अभी इन्होंने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है अच्छा अभी ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार शेखर कपूर ने जीता लाल यांजुआंग छांगटे ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है प्रतिष्ठित पैन पेंटर पुरस्कार 2023 से माइकल रोसेन को सम्मानित किया गया प्रिया एयस को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है के वेणुगोपाल को आई एम पुरस्कार मिला है और प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 948 सौ अड़तालीस विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी तो ऐसे वृक्ष जो 100 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं ऐसे 28 प्रजाति के वृक्षों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में किया गया है और अब इनका बिरासत वृक्षों के रूप में सौंदर्यीकरण किया जाएगा तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है और ये जो वृक्ष है 948 इसमें ज्यादातर वृक्ष वाराणसी में है अब उत्तर प्रदेश तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ और लखनऊ है गोमते नदी किनारे स्थित उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारा राज की पक्षी है सारा से राज की पुष्प है पलास और राज की वृक्ष है अशोक का वृक्ष अच्छा अभी विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा में खोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 मेगावाट की दो ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है और लखनऊ स्थित लिटरेसी हाउस एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा अच्छा उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पेलीभीत टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है तो अभी भारतीय ओलंपिक संघ ने बजरंग पुनिया को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये हैं बजरंग पुनिया इनको अभी एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दी गई है अब ये जो एशियाई गेम्स हैं, ये तेईस सितंबर से चीन के जांगजू शहर में होंगे चीन के जांगजू शहर में होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड एक संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है तो 190 संशोधन किए गए और इन 190 रिकॉर्ड संशोधन के बाद श्रीलंका ने भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पारित किया है तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है इस विधेयक पर विभिन्न व्यक्तियों संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा व्यापक चर्चा हुई है अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका श्रीलंका कैपिटल क्या है कोलंबो एक कैपिटल है कोलंबो और एक कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्रे जयवर्धनीपुरम कोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्रीलंका की करेंसी क्या है श्रीलंकन रूपी श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है दिनेश गुड़वर्धन और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है रनिल विक्रम सिंघे अभी सड़सठवां टी ए आई सम्मेलन कोलम्बो में शुरू होगा आईसी महिला ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में से अट्टापट्टू सेल्स पर रही है श्रीलंका की संसद में रेड पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है श्रीलंका में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है भारत ने श्रीलंका को एक बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है और श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है अच्छा आप मैप में ध्यान से देखना है इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में से पाक स्ट्रेट कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ कौन बनी है तो अभी निब्रती राय इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है ये है निब्रती राय ये सात वर्षों तक इंटेल इंडिया की कंट्री हेड है रही हैं और अब ये इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ बन गई है अभी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अरविंद कुमार को नियुक्त किया, किया, किया गया है। चंद्रयान थ्री लिमिटेड ने चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को नियुक्त किया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की प्रबंध निदेशक एरेना घोष बनी है और एसबीआई कार्ड के एमडी एंड के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है हाल ही में किस आईआईटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद पर तो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है अच्छा भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए ए आधारित मॉडल विकसित किया है और आईआईटी खड़कपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ नए तरीके विकसित किए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ने है। हाल ही में कैसे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है है राकेश पाल अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बने हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में और इसके अब नए डीजी तो यही बन गए हैं राकेश पाल अच्छा अभी लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजा रमन बने हैं और पेरिस में डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान सिंधु कमानी संभालेंगी हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड बावन डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो अभी चाइना में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड बावन डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब चाइना तो ये है मैप में चाइना चाइना की कैपिटल क्या, क्या है बीजिंग चाइना की करेंसी क्या है रेनमिन भी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है जी जिनपिंग अभी चाइना और रूस ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सुरक्षा बॉन्ड 2023 शुरू किया है चाइना ने अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है एस आई पी आर आई यानी कि स्टॉक होम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्वभर में सबसे ज्यादा परवान हथियार चाइना के पास है, है। हाल ही में न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है तो अभी राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है आप राजस्थान तो ये है मैपन राजस्थान राजस्थान की कैपिटल क्या है जयपुर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है अशोक गहलोत और राजस्थान की गवर्नर कौन है कलराज मिश्र अभी राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी राजस्थान सरकार ने जन सम्मान बेडियो प्रतियोगिता शुरू की है दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13.48 पॉइंट चार आठ करोड़ रुपए को मंजूरी दी और सी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है अच्छा राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है रडथम्बोर नेशनल पार्क है केबला देव घना पक्षी बिहार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के उनहत्तरवें संस्करण की मेजबानी करेगा तो अभी गुजरात फिल्म फेयर पुरस्कारों के उनहत्तर में संस्करण की मेजबानी करेगा तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है अब गुजरात करेगा तो ये है मैप में गुजरात गुजरात की कैपिटल क्या है गांधीनगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर कौन है आचार्य देवव्रत अच्छा अभी जी ट्वेंटी वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गुजरात के गांधीनगर में हुई बैंक ऑफ इंडिया ने गिफ्ट सिटी में आईएफएससी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है तीसरा व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवड़िया में हुई है अंत्योदय सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में लॉन्च हुआ और गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दो गुना कर दिया है अच्छा गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉन्स के लिए फेमस है सरदार सरोवर डैम है नल सरोवर लेक है थोल लेक है कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा तो अभी अपने देश भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनेगा तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ये। और ये भारत में कहाँ बनेगा तो भारत में ये सूरत में बनेगा अभी तक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की जो बिल्डिंग है पेंटागन ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था और पिछले 80 सालों से लगातार यही दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन था लेकिन अब भारत के गुजरात में सूरत शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बनेगा सूरत में जो सूरत डायमंड एक्सिन बन रहा है या फिर सूरत डायमंड बोर्स भी से बोल रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा यह है सूरत डायमंड बोर्स अच्छा अभी भारत फ्रांस के मार्सिल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा पारंपरिक औषधियों पर, पर आसियन देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा भारत ने चौंतीसवां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है और भारत ने कुवैत को हराकर नौवीं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जीत ली है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदु पत्ता श्रमिकों के लिए छप्पन करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है तो तेंदु पत्ता को तोड़ने वाले और तेंदु पत्ता को बांधने वाले श्रमिकों के लिए उड़ीसा सरकार ने छप्पन करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है ये है पत्ता। ये जो तेंदु पत्ता होते हैं इनसे बेड़ी बनती है इन्हीं पत्तों को बांधकर बेड़ी बनाई जाती है अब उड़ीसा तो ये है मैप में उड़ीसा उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है गणेशी लाल अच्छा उड़ीसा में है वेलरदीप और वेलरदीप का नाम बदल के ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है एक अप्रैल को अभी उड़ीसा सरकार ने कोई भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी कोई भाषा ये आदिवासी समुदाय की भाषा है भारत की पहली ए एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा में किया गया उड़ीसा में ओ ने भारत की पहली ए एंकर लीसा का अनावरण किया उड़ीसा सरकार जल्द ही मो जंगल जामी योजना शुरू करेगी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है अच्छा उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में चिल्का लेक है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है कुड़ाक टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हंगरी में सुपर जे एम शतरंज टूर्नामेंट जीता है तो अभी हंगरी में सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आर प्रज्ञानंद ने जीता तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है ये है आर प्रज्ञानंद अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है तो अभी चाइना ने दुनिया का पहला मेथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया मोस्टली स्टूडेंट के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते अब आपके लिए आज का क्वेश्चन आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ तीन दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी आई एन डी आर ई एस एच आर सी इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आर सी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना आज की इस वीडियो का टारगेट है चालीस या लाइक का तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है हेल्पफुल लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो तो ये था आज का हमारा करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेलाइकन बन के आएगा आप उस बेलाइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एग्जाम ऑल बेच पे दी थैंक्स फॉर वॉचिंग